श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लगभग 8 दिन में बेहद वाणी प्रकरण जिसमें 166 चौपाइया है ये संपन्न हुआ। अब 32वां प्रकरण इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहले 31वें प्रकरण की अंतिम चौपाई दोहराते हैं, फिर आगे के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। ए दो विद मैं तो कही सुपन हर्षे उड़ाऊं, कहे इंद्रावती उछरंगे साथ जुगते जगाऊं, साथ जुगते जगाऊं। अब ये 32वां प्रकरण है, ये दूध पानी का निवेदन, मतलब दूध और पानी का निरूपण, माया और ब्रह्म का निरूपण। यहाँ पर दूध को ब्रह्म के रूप में और पानी को माया के रूप में लिया है, क्षीर नीर। तो इस तरह से शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से समझाया हुआ होता है, ये क्षीर नीर दूध पानी, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। तो ये बात यहाँ पर कही है। ओ वतनी बांधो कमर तुम बांधो, ब्रह्मात्माओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे वतनी मतलब परमधाम के रहने वाले ब्रह्मात्माओं, बांधो कमर तुम बांधो, तुम अपने कमर को बांधो। मतलब पवसागर से पार होने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। सुरत पियासों साधो, अपने सुरता को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में लगाओ। वही हमारे पिया हैं, वही हमारे धनी हैं। तीनों कांडों बड़ा सुखदेव, शास्त्रों में तीन प्रकार के कांड समझाए, उनमें एक होता है कर्म का कांड, कर्म कांड, दूसरा उपासना का, तीसरा ज्ञान का, चौथा भक्ति का, प्रेम का। किंतु कई स्थानों पर चार कांड ना कह करके तीन कांड भी कहा है। तो उपासना को कर्म और ज्ञान के साथ में मिला दिया, इसलिए कर्म ज्ञान और भक्ति इस तरह से भी समझाया है। तो ऐसे यदि तीन कांड मानते हैं तो कर्म ज्ञान और भक्ति, इन तीन कांडों में सुखदेव जी ने भक्ति अथवा प्रेम की बात कही है, तो ये प्रेम की बात श्रेष्ठ है। तो सुखदेव जी बड़े कहने का तात्पर्य है, उन्होंने जो प्रेम की बात कही है वो विशिष्ट बात है। ताकि वाणी को कहूं देव, सुखदेव जी ने जो भक्ति की बात श्रीमद् भागवत के द्वारा समझाई है उसका रहस्य यहाँ पर समझाते हैं, उसी रहस्य में क्षीर और नीर का विवेचन हो जाएगा। बिना पूछे कहूं विचार, कुछ पूछे बिना ही, आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं है फिर भी मैं ये बात अपने आप विचार करके बता रहा हूँ। निज वतनी जो निराधार है, निज वतनी ब्रह्मात्माओं परमधाम जिनका घर है, ऐसी ब्रह्मात्मा हो ये निश्चित रूप से समझना। जिन कोई संशय तुम्हें रहे, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह न रहे, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, सो मेरी आत्मा ना सहे, यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह रह जाए तो वो मुझसे सहन नहीं होगा, मेरी आत्मा उस बात को सहन नहीं कर पाएगी। एक वचन इत यों सुनाए, इस जगत में एक बात ऐसी भी सुनाई देती है,
चीटी पाऊं कुंजर बधाए, ऐसे कुछ बातें गुड़ बातें कुट बातें कही गई होती है। उसमें कहते हैं चीटी के पाँव में कुंजर का हाथी हाथी बना हुआ है। तो इस तरह से भी कहीं कहीं ऐसी बात आती है, तो उसका भी रहस्य मैं समझा देता हूँ। तो दूसरी बात ये आती है तिनके पर्वत ढांकिया, जैसे एक छोटे से तिनके से तो पूरा पर्वत ढक जाता है, तिनके ने पर्वत को ढांक दिया। तो ये भी बात बताई जाती है। सो तो काहू ने देखिया, किसी को भी ये दिखाई नहीं दिया है, किसी को समझ नहीं पड़ी तिनके ने पर्वत ढांक दिया तो कैसे ढांक दिया। तो चींटी के पाँव में हाथी बंध गए तो कैसे बंध गए, तो ये बात कहते हैं लेकिन कैसे ऐसा हुआ ये समझ नहीं पाते हैं। और दूसरी तीसरी और बात भी कही है, चीटी हस्ती को बैठी निगल, चीटी हाथी को निगल करके बैठ गई, उसने पूरे पूरे हाथी को निगल दिया ताकि काहू न परी कल, किसी को ये बात समझ नहीं आई। ये कल शब्द है वो भी गुजराती में ही है, गुजराती का एक शब्द है मूल रूप से। तो किसी को ये पूरा ख्याल नहीं आया, किसी बात को कलना का मतलब अच्छी तरह से समझना, भाप जाना, कोई ये भाप नहीं पाए, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ आगे उदाहरण देकर के कहेंगे, तो पहले इनका थोड़ा सा स्पष्टीकरण वैसे कर देते हैं, इसका स्पष्टीकरण तो बाद में होगा। तो कहते हैं जैसे हाथी की चींटी के पाँव में बंध गए, मतलब परमात्मा है तो वो माया के माया में बंध गई, तो माया तो चींटी से भी कम है, चींटी के पाँव से भी कम है परमात्माओं के सामने माया का अस्तित्व। किंतु परमात्माएं भी उच्च कक्षा की आत्माएं भी माया में ऐसे बंध जाती है। और दूसरी बात कहते हैं तिनके पर्वत ढांकिया, तो तिनका वो पर्वत को ढांक देता है, तो आंख के नजीक लाएंगे तो आगे के बहुत से दृश्य को ढांक देगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि माया है वो तिनके के समान है, लेकिन वो हमारे दृष्टि को ढांक देती है तो परमात्मा हमारे से दिखाई नहीं देंगे। तो तिनके से दृष्टि ढक गई लेकिन हम बोलते हैं तिनके से पर्वत ढक गया, तो वैसे तो तिनके तिनका दृष्टि को ढक देती है, ढक देता है, तो हम परमात्मा को ढक दिया ऐसा मानते हैं। तो वास्तव में परमात्मा ढकने वाले नहीं होते हैं। सो तो काहू ने देखिया, किसी ने भी ये बात ये देखा नहीं है बोलते हैं, तो ये यही बात है कि माया हमारी दृष्टि को ढक देती है, परमात्मा को ढक नहीं सकती, ये बात समझने जैसी है। चींटी हस्ती को बैठी निगल, तो ये चींटी है और हाथी को निगल करके बैठ गई, हाथी को पूरा पूरा इसने निगल दिया। तो यहाँ पर हाथी कहने से परमात्मा, तो ये माया ने ब्रह्म आत्माओं को निगल दिया, तो माया तो वो चींटी के समान है, बहुत तुच्छ है, तो वो ब्रह्म आत्माओं को इस तरह से बुला देती है तो उसमें से डुबा देती है, उसमें से वो पार उतर ही नहीं सकते हैं। ताकि काहू न परी कल, किसी को भी ये समझ में नहीं आई, कोई इसको भांप नहीं पाया। सनकादिक ब्रह्मा को कहे, सनकादिक ने एक बार ब्रह्मा जी को पूछा, जीव मन दो भेले रहे, जीव और मन दोनों साथ में रहते हैं। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया, ये भेले हुए हैं आद के, भेले हैं सदा अनाद, ये सृष्टि के समय में सृष्टि में ये मिले हुए हैं या सृष्टि से पूर्व से अनादिकाल से ही ये मिले हुए हैं। तो आदिकाल का मतलब सृष्टि हुई, तो सृष्टि के शुभारंभ से, तो सृष्टि होने लगी तब से ये मिले हैं या उससे पहले से मिले हुए हैं अनादिकाल से ही।
कहे ब्रह्मा बेले नहीं तित। तो ब्रह्मा ने कहा मूल में ये साथ में नहीं है, ब्रह्म धाम में परम धाम में तो ये साथ नहीं है। माया अलग है और चेतनाएं अलग हैं, तो माया चेतना को ढक नहीं सकती है। तो ऐसे मन माया और चेतना, जीव का मतलब ब्रह्मात्मा है, तो माया अलग रहती है, ब्रह्मात्माओं के साथ में नहीं रहती है। तो ये आए मिले हैं, ये तो यहाँ सृष्टि में आकर के मिले हैं। तो जब से सृष्टि हुई तब ये माया की सृष्टि है, इसमें जो भी आत्माएं आती है माया से प्रभावित हो जाती है। तब सनकादि के फिर यो कहो, फिर सनकादि ने ये पूछा तो ये जुदे करके देव, तो इनको अलग अलग करके आप समझा दीजिए, माया अलग है और ब्रह्म अलग है, ये आप समझा दीजिए। फिर ब्रह्माए करी फिकर, फिर ब्रह्मा को थोड़ी सी चिंता हो गई मैं कैसे समझाऊं। देखे वचन विचार चित धर, तो इन वचनों पर विचार करने लगे तो इनसे वो स्पष्ट उनको नहीं हुआ। तब उन्होंने फिर भगवान विष्णु को याद किया, ये समझ मुझसे ना होए, ये बात मेरे द्वारा समझाया नहीं जाएगा। तो क्यों कर करूं जुदे मैं दोए, दोनों को मैं अलग अलग कैसे कर सकता हूं। उन्होंने काफी विचार किया, तब शरण विष्णु के गए। जब उनको लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर भगवान विष्णु के शरण में चले गए। तो अंतर्गत वचन कहे, तो शरण में जाने का मतलब पूछा है, तो वहीं भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया कि आप ही आकर के इस बात को स्पष्ट कर दीजिए, तो ये मुझसे नहीं कहा जाएगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने मन मन प्रार्थना किया। तो ये अंतर्गत वचन कहे मतलब भीतर से ध्यान से मन मन अंदर से प्रार्थना की, तो ये अंतर्गत वचन कहे। वैकुंठनाथ सुने वचन, वैकुंठनाथ ने ये वचन सुन करके हंस होए आए तत्क्षिणा, तो उसी समय हंस बन करके भगवान विष्णु आए। तो हंसे रूप धरियो सुंदर, हंस ने बड़ा सुंदर आकृति धारण की थी, बड़ा सुंदर हंस था। लिए सनकादिक के चित्त हर, सनकादिक के चित्त को अंतःकरण को उसने हरण कर दिया। तो जैसे आत्मा से अंतःकरण अलग हुआ, मन अंतःकरण अलग हुए मन अलग हुआ, तो उसी समय जीवे हंस सों करी पहचान, तब उनकी चेतना ने हंस को भगवान के रूप में पहचान लिया। चारों चरण लगे भगवान, तो चारों ने तो प्रणाम किया भगवान को। अब वह हंस नहीं दिखाई दिया उनको, भगवान दिखाई दिए तो उनको प्रणाम किया। तो फिर तो भगवान विष्णु ने मन को छोड़ दिया, तो मन ने जैसे उनकी चेतना को ढक दिया, तो उसी समय फिर मने यो कियो विचार, तो मन ने विचार किया। ले नजरों देखिया आकार, तो फिर तो उन वो नजर के समक्ष हंस की आकृति दिखाई दी, तो उनको लगा कि हमने प्रणाम किया तो अभी तो भगवान दिख रहे थे, फिर ये हंस दिख रहा है, ये क्या बात है। तो उनको आश्चर्य हुआ। जो जीवे करी पहचान, जीव ने हंस को भगवान के रूप में पहचाना था। सो मने तब ही दई भाना, तो मन ने उसी समय वो भाव मिटा दिया, तो वह भगवान नहीं दिखे, पक्षी दिखा। फिर सनकादि के यूं पूछिया, फिर सनकादि ऐसा पूछने लगे, तुम कौन हो यूं कर कया, तुम कौन हो, आप कौन है जरा बता देंगे, ऐसा पूछा। तब हंस कियो जवाब, उस समय हंस ने उत्तर दिया, तो समझे सनकादिक भान्यो बाद, तो सनकादिक ने तो हंस ने जो उत्तर दिया वो सुना,
तो उनके मन की भ्रांति मिट गई। तो हंस को पूछा, आप कौन है? तब हंस ने कहा, तो अभी प्रणाम कर रहे थे, क्या समझ करके प्रणाम किया और अब क्यों पूछ रहे हो? तब सनकादिक चौंक गए। तो उन्होंने कहा कि पहले हमें भगवान दिखाई दे रहे थे, इसलिए हमने प्रणाम किया, तो प्रणाम करने के बाद में देखते हैं तो भगवान तो नहीं दिखाई दे रहे, हंस दिखाई दे रहे, तो इसलिए पूछ रहे ये क्या है। तो भगवान ने हंस का रूप धारण किया, ये क्या है हम समझ नहीं पाए, तो ऐसा क्यों दिखा? पहले भगवान दिखे और फिर हंस दिखने लग गया। तब हंस ने जवाब दिया, देखो तो जब मैं आया तब मैंने तुम्हारा मन को हरण कर दिया, तुम आत्म रूप में रहे तो आत्मा तो भगवान को पहचान लेती है, तो तुमने भगवान को पहचान लिया, फिर प्रणाम किया तो प्रणाम करते हुए तो मैंने मन को छोड़ दिया, तो मन ने तुम्हारी चेतना को ढक दिया, तो उस समय तुमने भगवान नहीं देखा, हंस देखा, इसलिए तुम्हें संदेह हो रहा है और तुम पूछ रहे हो। तो इस तरह से फिर भगवान विष्णु ने उनको समझा दिया, देखो मन जब चेतना को ढाक देता है तो उस समय चेतना भी भ्रमित हो जाती है, तो ब्रह्म की पहचान नहीं करती है, स्वयं की भी पहचान नहीं करती है। तो जैसे ही चेतना से मन को अलग कर देते हैं तो उस समय चेतना परमात्मा को पहचान पाती है। तो इस तरह से मूल रूप में तो ये मन चेतनाओं के साथ में नहीं है, तो मन तो माया का है, माया चेतना से अलग है, इस सृष्टि में ही माया प्रभावशाली रहती है और उसमें चेतनाएं आती हैं तो सब कुछ भूल जाती है, ऐसा करके हंस ने समझाया। समझे सनकादिक भानियो भाबाद, तो जब सनकादिक ने ये सब सुना, सुनने के बाद में उनकी शंका मिट गई, भानियो तो मिट गई, चित्त किए चारों के धीर, चारों के चित्त स्थिर हो गए, पर ना हुए जुदे खीर नीर, फिर भी सनकादि को तो संतोष हुआ, किंतु उन्होंने जो बात कही उस बात को दूसरे लोग समझ नहीं पाए, इसलिए खीर और नीर का निर्णय नहीं हो सका, माया और ब्रह्म को स्पष्ट रूप से समझाया नहीं गया। बाद में ये समझाने की परंपरा अलग प्रकार की बनी। आओ हम सया और कोई, हंस के रूप में भगवान आए अथवा किसी और रूप में आए, ए जुदे करना देवे कोई दोए, तो इसको इन दोनों को अलग अलग करके तो कोई भी स्पष्ट समझा नहीं पाएंगे। दो के जुदे वासन, तो दोनों के पात्र अलग अलग हैं, तो मन है तो माया में जाकर के मिल जाता है, और चेतना है आत्मा है तो ब्रह्म में जाकर के मिल जाती है, तो दोनों के पात्र अलग अलग हैं। यों कबहु न किए किन, इन दोनों को अलग अलग करके किसी ने स्पष्ट करके समझाया नहीं है। अब या कि कहूं समझना, अब इस बात को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जुदे कर देव जीवा और मन, जीव और मन दोनों को अलग अलग करके समझा देते हैं। समझ के पहचानो जीव, समझ करके तुम चेतना को पहचान लो, जीव कहने से आत्मा को, और जागृत हो जाओ आत्मा के पहचान करके। निज वतन जो अपना पिए हो, फिर निज वतन परमधाम, अपने आत्मा के घर परमधाम में अपने पिए हुए हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनकी भी पहचान करो। नहीं राखो तुम्हें संदेह, तुम्हारे मन में कोई भी संदेह रहने नहीं दूंगा। इन चारों का अर्थ जो ये है, इन चारों का अर्थ ये है जो पहले बताया था, वो चीटी उसको हाथी को निगल गई, चीटी के पाँव में हाथी बन गए, तिनके ने पर्वत को ढक दिया,
तो इस प्रकार की बातें पहले कही थी, तो उन सबको यहां पर समझा देते हैं। जो कोई साधक पूछे क्यों, यदि कोई सज्जन लोग पूछे कि ऐसा क्यों, ताए शास्त्र सब कहे वे यूं, उनको ये शास्त्र इस प्रकार समझाते हैं। अकल अगम वैकुंठ का धनी, वैकुंठ के धनी हैं, उनकी बुद्धि भी अगम है, अगम्य है, उनकी बुद्धि को भी हम आंक नहीं सकते। ये थोड़ी अजो करे घनी, ये तो और भी कुछ कर सकते हैं, इन करते सब कछु होए, इनके करने से तो बहुत कुछ हो जाता है, पर ये अर्थ ना देवे कोई, किंतु वैकुंठ के धनी हंस बन करके आए, फिर भी उन्होंने माया और ब्रह्म का स्पष्ट निरूपण नहीं किया, क्योंकि जिस समय उनको पूछा गया तो उस समय वो अंतर से सुन करके समझने वाले नहीं थे, बाहर बाहर से सुनने वाले थे, इसलिए उस समय ये बात कही नहीं गई, अभी ये बात कही जा रही है। इन करते सब कछु होए, पर ए अर्थ ना देवे कोए, फिर भी ये क्षीर नीर का विवेचन नहीं हुआ, यूं धोखा रया सब माए, इस प्रकार सभी बात स्पष्ट हुए बिना ही धोखे में रह गए। समझ काउना परी क्या है, किसी को भी ये बात समझ में नहीं आई। अब समझाऊं देखो बानी, अब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा मैं समझा देता हूं। दूध भी छोड़ा कर देव पानी, दूध और पानी को अलग अलग करके स्पष्ट करके दूध को दूध और पानी को पानी के रूप में समझा देता हूं। जो तुम्हें साख देवे आत्मा, यदि तुम्हें आत्मा की साक्षी, जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा साक्षी दे, सो सतमायने जानो तारतम, तब तुम तारतम ज्ञान के सत्य अर्थ को समझ पाओगे। इन अंतर देखो उजास, तो इस अंतर में माया और ब्रह्म के अंतर में, अंतर तो ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से ही वो होगा, इसमें ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश है तभी अंतर पता चलेगा। या जीव को बड़ो प्रकाश, इस चेतना का प्रकाश भी तो बहुत बड़ा है, चौदह लोक उजाला करे, तो इस प्रकाश से तो पूरे 14 लोक प्रकाशित होंगे। जो निज वतन दृष्टि धरे, तो जिन लोगों की दृष्टि में परम धाम दिखाई देगा, तो उनके लिए वो तो पूरे 14 लोक को भी प्रकाशित कर सकते हैं, उजाला कर सकते हैं। या को नूर सदा नहीं चले, उनका प्रकाश तो सदा सर्वदा रहने वाला है, कभी फीका पड़ने वाला नहीं है। नेक कहूंगी या को आगे चल, आगे जाकर के इसका भी थोड़ा सा रहस्य समझा देते हैं। ए उजाला इंधन समाये, ये तात्म ज्ञान का प्रकाश है, ये पूरे ब्रह्मांड में भी समाने वाला नहीं है। सो इन जुआ कहो न जाए, इस जुआ के द्वारा उस सुख का वर्णन कैसे कर सकते हैं। या मन को नहीं कछु मूल, इस मूल का तो कोई मन का तो कोई मूल ही नहीं है, क्योंकि ये तो माया से बना है, अक्षर ब्रह्म ने कल्पना कर दी तो ये सब बन गया। या थे बड़ा कहिए आंख का तूल, यदि दुनिया में देखें तो वो आंख का तूल, मतलब आंख की जो रुई है उसका एक हिस्सा, वो भी मन से तो बड़ा है, क्योंकि देखने में तो ये दिखता है, तो परमधाम में देखेंगे तो परमधाम में तो माया दिखती ही नहीं है, भले माया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुई है, लेकिन तो परमधाम में माया का कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो दिखी नहीं पाती है। तुल का भी कोटमा ऐसा, इस आँख के रेशा के भी करोड़ों ऐसा, मन एका भी नहीं ऐसा, तो अक्षरातीत के सामने तो परमधाम के सामने तो मन इतना भी नहीं है, इतना
और कम महत्व है मन का। सो गया जीव को निगल, तो वह मन पूरी चेतना के ऊपर हावी हो गया, उसने चेतना को ढाक दिया, तो वो जीव को निकल गया, निगल गया। यूं सब पर बैठा चंचल, इसलिए सबके ऊपर वो चंचल होकर के बैठा है और अपना आत्मा अपने अस्तित्व को खो करके बैठी हुई है। यूं तिनके पर्वत ढाकिया, तो इसी प्रकार तिनके ने पर्वत को ढाक दिया। यूं गज चीटी पांव बांधिया, इस प्रकार हाथी चीटी के पांव में बंध गया। तो इसे हाथी चीटी के पांव में बंधने वाला नहीं है, लेकिन तो माया से प्रभावित होकर के चेतना जीव है ये बंध गया। जो जीव करे उजास, यही आत्मा यदि जागृत हो जाए और प्रकाशित करे तो मन को आगे ही होए नाश, तो मन तो पहले से ही नाश हो जाएगा। जैसे आत्मा जागृत हो जाती है और तो ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से लेकर के प्रकाश में जागृत हो जाती है, तो उस समय वो अपने आप को आत्मा भूल जाती है। तो यदि इस प्रकार से वो जागृत हो जाए तो ये माया और ब्रह्म का निरूपण अच्छी तरह से वो समझ पाएंगे। तो आत्मा को जागृत होना बहुत जरूरी है। जागृत आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचान पा सकती पाती है। बाकी यदि थोड़ी नींद में थोड़ी कुछ में हो तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी इस प्रसंग को यहीं पर रखते हैं, चौपाई दोहराते हैं। तो मन को आगे होए नाश, यों तिनके पर्वत ढाकिया, यों गज चीटी पांव बंधाए, यों गज चीटी पांव बांधिया। जो जीव करे उजास, तो मन को आगे होए नाश, तो मन को आगे होए नाश। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।